चलो वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रून क्लास 10 यूट्यूब चैनल पे। आई होप यार आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का शॉर्ट वीडियो देखने जा रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, करूंगा यार, कि 15 मिनट के अंदर आपको ये चैप्टर समझा दूँ। और ये शॉर्ट रिविजन वीडियो रहने वाला है, तो उसी तरीके का ये वीडियो रहेगा। और एक बहुत मेहनत से मैंने एक माइंड मैप रेडी किया है, सारे चैप्टर का ये माइंड मैप मैंने रेडी किया है। आप प्रीवियस वीडियोस में देखे ही होंगे। ये सारे के सारे माइंड मैप अगर आप परचेस करना चाहते हो तो बहुत ही चीपेस्ट प्राइस पे आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पहली लिंक मिल जाएगी, और edugreen.in पर भी विजिट करके काफ़ी सारे कंटेंट अपलोड्स हैं, उसका आप मुफ्त में इंजॉय उठा सकते हैं। हमने सेट्स ऑफ पेपर, सैंपल पेपर अपलोड किया है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। बहुत सारे सैंपल पेपर्स हैं, उनके आंसर्स भी अवेलेबल हैं। तो आप जाइए चेकआउट कीजिए ताकि आप और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर पाएँ, थोड़ा थोड़ा मजा आता है। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, मतलब हम लोग प्रीवियस चैप्टर में देखा कि जब करेंट किसी वायर में ट्रेवल करता है तो होता है, ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। बट एक चीज और मैंने वहां पे बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। ये दो फिनोमिनन हमको दिखता है जब भी किसी वायर में करेंट फ्लो। ठीक है, हीटिंग तो हमने प्रीवियस में देख लिया, अभी हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट देखने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले मैग्नेट को जरा देख लो। मैग्नेट पता ना कैसा होता है, एक नॉर्थ पोल होगा, मैग्नेट का साउथ पोल होगा। ठीक है, अब तो अभी मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट से ये चीज़ें स्टार्ट करूंगा, तो मैं इस पार्ट को थोड़ा जूम कर लेता। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इवन देखो, एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अभी हमने डिस्कस किया। लाइक पोल रैपल ईच अदर और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तब लाइक पोल जो है नॉर्थ नॉर्थ तो रैपल करेंगे, दूर भगेंगे, वहीं अनलाइक पोल जो है एक एक नॉर्थ एक साउथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अब फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंग इटसेल्फ इन नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद इट्स नॉर्थ पोल टूवर्ड्स नॉर्थ। मतलब अगर आप एक मैग्नेट ले लीजिए, बार मैग्नेट, उसको सेंटर से धागे से बांध कर ऐसे फ्रीली लटका दीजिए, हैंग कर दीजिए, वैसे घूमते घूमते अर्थ का नॉर्थ और अर्थ के साउथ पोल के साथ मैच। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी लाइंस, है ना, द लाइन इन अ मैग्नेटिक फील्ड द टेंजेंट ऑफ विच एट पॉइंट विल गिव द फील्ड डायरेक्शन एट द पॉइंट। मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, उन हर फील्ड लाइन जो हर फील्ड लाइन से अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। फील्ड लाइन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को भी देख लेते हैं। तो फील्ड लाइन अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल ऑफ द लाइन। मतलब जो मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में आके एंड हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ठीक है, फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर्व, यहाँ पे देख सकते हो जितने भी फील्ड लाइंस हैं ये क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड है, यहाँ शुरू हो रहे हैं यहाँ खत्म हो रहे हैं, क्लोज्ड कर्व। फील्ड लाइन आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो फील्ड लाइन बहुत क्लोज होते हैं, या इसका उल्टा आप कहो, जब मैग्नेटिक जो कर्व लाइन जितने पास होंगे ना, उस मैग्नेट की मैग्नेटिक पावर उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एज फॉर टू लाइन टू इंटरसेक्ट देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट अ पॉइंट। मतलब क्या कह रहा है, इसके लिए थोड़ा सा बैक चलते हैं। मैं देखो, मान लो ये एक फील्ड लाइन है, ठीक है, और दूसरा फील्ड लाइन ये है, क्लियर है। अब मैं इस फील्ड लाइन का ये वाला फील्ड लाइन के अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो लाइक दिस का, इसने ये डायरेक्शन बताया मैग्नेटिक फील्ड का, और ये वाला जो फील्ड लाइन है इसका टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बताए। तो ये बताओ, एक ही पॉइंट पे मैग्नेट का नॉर्थ या साउथ पोल दो तरफ कैसे हो सकता है? एक ही पॉइंट पे नॉर्थ पोल दो डायरेक्शन में कैसे हो सकता है? किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक ही डायरेक्शन में होता है ना, एक इधर और इधर, नॉट पॉसिबल ना, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड कर्व हैं कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ना करते। अब अगला है, देखो, लास्ट, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए चैप्टर का अगला जो पार्ट है, फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अगर कंडक्टर है उसमें अगर करेंट फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बने, ठीक है। इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है दैट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, उसमें ऊपर की तरफ करेंट जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। अभी हम मान रहे हैं कि ये मेरा एक कंडक्टर है, वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस आए ना, फील्ड करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की बात करें, तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए। आप क्या कीजिए, देखो यहाँ पे ये कंडक्टर है, करेंट ऊपर जा रहा है, तो मैंने इसको इस तरीके से पकड़ा, मेरा थंब क्या बताएगा, मेरा थंब इज द डायरेक्शन ऑफ करेंट, तो करेंट ऊपर जा रहा है तो मैंने थंब का डायरेक्शन ऊपर, और अपने फिंगर को कर्ल करना है, कर्ल कर रहा हूँ मैं अपने फिंगर, तो मुझे दिख रहा है एंटी क्लॉक वाइज, तब मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉक घूम रहा है। अगर आप कर्ल कर रहे हैं ना, वही डायरेक्शन एंटी क्लॉक, यहीं पे करंट नीचे जा रहा होता फिर मैं कर्ल करता तो क्लॉक वाइज, ठीक है। तो जनरली राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है करेंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। चलिए सेकंड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट थ्रू अ सर्कुलर, मान लीजिए हमने वायर लिया उसका एक सर्कुलर लूप बनाया और बैटरी से कर दिया, इस केस में जो वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। देखो मैग्नेटिक ये जो सर्कुलर लूप है, इस पॉइंट की बात करें चाहे इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जाहिर सी बात है अभी हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल में चलता है, ठीक है। सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे, वायर से जितनी दूर जाते जाएंगे सर्कल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है, देख रहे हो बड़ा होता जा रहा है। अगला है एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करेंट वुड गिव राइट्स टू मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइन एट द सेंटर ऑफ लूप। जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जाएंगे ना, जो कर्व कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और सेंटर पे आते आते ये क्या एक स्ट्रेट लाइन, दोनों तरफ से आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे हम इस तरफ की बात करें, ठीक है, इस तरफ से बात करें चाहे इस तरफ से, जैसे जैसे आप इस तरफ आते जाएंगे देखिए सर्कल बड़ा होता जा रहा है और सेंटर पे आके ये स्ट्रेट हो जा रहा है, एक नॉर्थ पोल कहलाएगा दूसरा साउथ, ठीक है। चलिए अगला है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम, क्लियर हो गया। चलिए लास्ट है इस टॉपिक का सोलोनाइट। सोलोनाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर आप मैग्नेट का यूज कर रहे हैं, मतलब जब तक ये कंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी हम कट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है, और ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट को सोलोनाइड कहते हैं। इसमें होता क्या है, सोलोनाइड इज द सिलेंड्रिकल सेप्ड कॉइल ऑन विच मेनी नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर आर रैप्ड क्लोजली। मतलब हम सोलोनाइड में क्या करते हैं, हम एक आयरन का सॉफ्ट कोर लेते हैं जो सेंटर पर लगाते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, और इसमें कॉपर के वायर को इस तरीके से ऐसे ऐसे करके खूब रैप कर लेते हैं, और फिर उसको बैटरी के प्लस माइनस से कनेक्ट करते हैं। जैसे प्लस माइनस से बैटरी से कनेक्ट करते हैं, हमारा जो ये सॉफ्ट कोर है ना मैग्नेटाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड इट गेट मैग्नेटाइज ना, तो अब उसमें सारे मैग्नेटाइज हो जाएगा तो मैं चिपकने, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड इज सिमिलर टू डेट बार मैग्नेट में, जिस तरीके से होता है नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, सेम इस तरीके, ठीक है। इनसाइड द सोलेनाइड ऑल द मैग्नेटिक फील्ड आर इन पैरेलल ही होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनाइड एंड रिप्रेजेंटेड बाई द पैरेलल फील्ड लाइन डायग्राम में आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा ऊपर ऊपर से मेन मेन चीजें चैप्टर का लगभग हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को कैसे यूज करेंगे, जब भी अगर आपसे बात करे फोर्स वाला, मतलब करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो बताइए फोर्स का क्या रोल है आप, तो आप अपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल यूज कर सकते हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच कीजिए, हमारा थंब बताएगा फोर्स जिधर लग रहा है, जिधर मोशन हो रहा है, फर्स्ट फिंगर बताएगा फील्ड, मिडिल फिंगर बताएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, ये हमारा क्या है, ये एक कंडक्टर है जो एक मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है, और इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ये एरो जो दिख रहा है ना, ये करंट का डायरेक्शन, इस तरफ है करंट का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है मैग्नेट में, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है मैग्नेट,
अपने फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए कि करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो, तो इस तीसरी फिंगर है ना वो आपको वो किस तरफ मूव करेगा वो बता देगा। देखो मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, करंट का डायरेक्शन मैंने नीचे इस तरफ किया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ किया, तो मोशन किधर दिख रहा है? इस तरफ। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर से, लाइट ब्लू कलर से दिखा रहा है मोशन उस तरफ। यही करंट का डायरेक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें, करंट उधर कर दें, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर कर दें, ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और ये वेक्टर बाहर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, यही है हमारा फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेट। ठीक है, अगर एक कंडक्टर है और ठीक है उसमें करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से वो मैग्नेटाइज हो गया है, तो अगर उसको हम किसी मैग्नेट के उस फील्ड में रख दें तो वो किस तरफ, उसको क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप बता सकते हैं। ठीक है, और इस फोर्स का डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन उल्टा हो भी हो सकता है अगर आप पोलैरिटी, बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर। ठीक है, चलिए अगला है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग को पढ़ना नहीं है, सिलेबस में कटआउट हो गया है, तो अपन इस साल तो छोड़ देते हैं, अगले साल देखेंगे। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? देखो, व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सम करेंट इज इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, अगर आप किसी कंडक्टर को एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब ऐसा कंडीशन बनाओ कि बार बार इस एरिया का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और वहां पे जो कंडक्टर रखे हो ना उस कंडक्टर के अंदर अपने आप इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाए। ठीक है, सच करेंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करेंट एंड द फिनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक सॉफ्ट कॉइल लिया, उसके अंदर खूब सारा कॉपर वायर लपेट के यहाँ पे एमीमीटर कनेक्ट कर दिया। एमीमीटर का काम क्या होता है? करेंट को फाइंड आउट करना। अब एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट को पास दूर बार बार पास और दूर करने से मैग्नेट का मूवमेंट की वजह से ना मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रही है, जिसकी वजह से जो ये कॉइल है वो इंड्यूस हो जा रहा है, उसके अंदर करेंट डेवलप हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम मैग्नेट ऐसे ऐसे करते रहेंगे तब तक ही करेंट आएगा। जैसे मैग्नेट को हम रोक दिए, मैग्नेटिक फील्ड करंट हो गया, रुक गया वहीं पे, देन करंट पैदा होना ही बंद हो गया। कंटिन्यूअस आपको मूवमेंट करना रहेगा तभी करंट पैदा होगा, इंड्यूस होगा, एंड देन आपको दिखे। इस फेनोमेनन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सिलेबस में नहीं है तो इस साल तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगला है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें हम लोग सबसे पहले फ्यूज को देख लेते हैं। उसका काम क्या होता है कि अगर आपके घरों में कभी ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट या एक्स्ट्रा करंट अगर फ्लो हो जा रहा है आपके सर्किट में, तो उससे आपके अप्लाइंसेस वगैरह खराब हो जाते हैं, स्पेशली बारिश के टाइम पे है ना, बिजली वगैरह कड़क रही है, अचानक से पोल वगैरह में वोल्टेज बढ़ जा रहा है, तो आपके घर में आ रहा है तो आपके टीवी फ्रिज ये सब उड़ जा रहे हैं, तो इससे बचाने के लिए हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइव वायर के साथ। व्हेन एक्स्ट्रा करेंट ग्रेटर देन द रेटिंग फ्लो थ्रू द सर्किट ड्यू टू विच फ्यूज गेट हीटेड एंड मेल्ट हो जाएगा एंड द सर्किट विल बी ब्रेक हो जाएगा और आपके अप्लाइंसेस वगैरह बच जाए। ठीक है, चलो अगला है लाइव वायर, मतलब पॉजिटिव वायर को लाइव वायर कहा जाता है, रेड कलर का होता है। न्यूट्रल वायर नेगेटिव वायर कहलाता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। अर्थ वायर ग्रीन कहलाता है। ठीक है, ये कलर कोडिंग याद। लास्ट है चैप्टर का ऑल्टरनेटिंग करेंट एंड डायरेक्ट करेंट, एसी और डीसी करेंट। तो देखो, करंट विच रिवर्स इट्स डायरेक्शन, एसी करंट कैसा होता है जो अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर पाए, मतलब इस पॉइंट से अगर एसी करंट निकला है इस डायरेक्शन में तो वापस भी आ सकता है, तो इट विल बी अ रिवर्स। बट वही डीसी करंट रिवर्स नहीं होगा, एक बार गया तो चला ही जाएगा, वापस नहीं आता। अपने इंडिया में एसी करंट की जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज के आसपास, वहीं डीसी की तो रिवर्स नहीं है। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, एसी करंट जो है उसको बहुत दूर तक आप बड़े आराम से फ्लो करा सकते हो विदाउट एनी लॉस। बट डीसी करंट की बात करें तो दूर तक नहीं ले जा सकते हो वायरिंग, क्यों? क्योंकि वो एनर्जी लॉस हो जाती है, पता चला कि उतने दूर में बल्ब जल ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये कुछ एसी करंट के फिनोम बेसिक टर्म्स थे जो आपको याद रखना है, और इसके साथ ही वही हमारा होता है चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, आई होप वीडियो एंजॉय किए होंगे। अगर आपको इस परचेस वगैरह करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा, पहले लिंक आप सकते हैं। वीडियो कैसा लगा पसंद कीजिए। अगर आपको एसेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन चाहिए किस स्टडी के ये चैप्टर वाइज, तो कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए भी जल्द ही आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और भी कुछ हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए, टेलीग्राम का चैनल है स्पेशली क्लास 10th के लिए, चेकआउट द लिंक इन द
नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।